हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट जेएस कोर्स ट्यूटोरियल गाइस पार्ट नंबर 5। इसके अंदर हम देखेंगे आपका पैकेज डॉट जेसन के बारे में कि इस फाइल की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है रिएक्ट जेएस के अंदर, और ये हर किसी ऐप के अंदर मिलती है। जितनी भी आप एप्स क्रिएट करेंगे रिएक्ट जेएस के अंदर, वहां पे आपको पैकेज डॉट जेसन देखने को मिलेगी। तो इसी को आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में कवर करेंगे गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया, रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड मैं कोशिश करूंगा कि हर एक वीडियो में आपको एग्जांपल के साथ हर चीज बता सकूं। एंड जस्ट की गाइज मैंने सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी यहां पे लिखे हुए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेंगे, जाएं एंड फॉलो कर लें कोड फॉर एजुकेशन को। एंड अगर आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। सोर्स कोड अगर फ्री में चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट चेकआउट मारनी चाहिए codesforeducation.com। एंड गिटहब के पेज पे आपको रिएक्ट जेएस से रिलेटेड जितने भी स्टफ्स होंगे सारे के सारी फाइल्स वहीं मिलेगी आपको गिटहब के अकाउंट पे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले आपके पैकेज डॉट जेसन की फाइल को कि इसके अंदर इतनी सारी चीजें हमें कैसे मिलती है और इनको कैसे यूज करते हैं हम। सो गाइस, जैसे कि हमारा फोल्डर बना हुआ है यहाँ पे रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल्स, उसके अंदर हमने रिएक्ट ट्वीट्स करके बनाया हुआ एक फोल्डर, इसी को मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है आपका वीएस कोड के अंदर ओपन कर रखा है, जैसे कि आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा होगा। ये सारी के सारी फाइल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी प्रीवियस वाली फाइल के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको वीडियो में बताया था फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। उम्मीद करता हूं कि वो आपने वीडियो पूरी देखी होगी, अगर नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर जो पैकेज डॉट जेसन है उसको खोल लेते हैं पहले। ये हमारी आपकी पैकेज डॉट जेसन की फाइल मिलती है हमें, ये इसलिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है गाइस, इसी में जितनी भी लाइब्रेरीज होती है हमारी, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको जो ओवरव्यू दिया था तो उसमें मैंने यही बताया था आपको कि यहाँ पे जितनी भी लाइब्रेरीज हम एक्सटर्नल अपनी इस इंटरनल फाइल के अंदर चाहते हैं तो हम यहाँ पे उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, या हम फिर उसे रिमूव करना चाहते हैं तो अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। ओके, और उसी के बाद में यहाँ पे हमारा जब कभी भी आपने npm इंस्टॉल करा है आई तो आपका नोड मॉड्यूल बनता है, और ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम नोड मॉड्यूल को नहीं यहाँ पे पुश करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो फोल्डर पे अगर आपको लेके चलूं और यहाँ पे आपको दिखेगी, ये देखिए ये सारी फाइल्स हैं। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं कि इसकी एमबी कितनी बनती है तो देखिए यहाँ पे इसकी एमबी आपको दिख रही होगी कितनी ज्यादा आपकी बन रही है, जबकि अभी हमने कोई भी ऐप और कोई भी अभी डिजाइन तो अभी बनाया भी नहीं है। ठीक है, तो 312 MB का आपको अपनी होस्ट अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे होस्ट करेंगे आप तो काफी हैवी हो जाती है वेबसाइट, दैट्स व्हाई हम इसको पुश नहीं करते हैं। अब पुश नहीं करते हैं तो ये आप बोलेंगे कि सेकंड जो डेवलपर है, मानिए कोई आपकी टीम है, उस टीम में सबको आपको ये ऐप पे काम करना है तो उनको कैसे मिलेगा? कुछ नहीं करना उनको, बस आपको क्या करना होगा npm इंस्टॉल करना है या शॉर्ट फॉर्म आई करना है आपको। आई करने के बाद में जितने भी पैकेजेस आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल करे होंगे इस ऐप के अंदर, वो सारे के सारे आपके अदर पर्सन जब भी वो इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर उनके सिस्टम में आ जाएगा कुछ इस तरीके से, देखिए यहां पर npm इंस्टॉल। अगर आपने कुछ भी चीजें चेंज नहीं कर रखी होंगी तो ये जस्ट चेक करेगा और फिर वो चेक करने के बाद में कुछ आपको इस तरीके से दे देगा, देखिए अप टू डेट का साइन की सब कुछ अप टू डेट है आपका। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई आपके npm से रिलेटेड और नोड मॉड्यूल क्यों नहीं पुश करते हैं हम। ठीक है, गिट पे इसके बाद आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि नेम, जो हमारा नेम है वो आपके रिएक्ट का नाम, वर्जन प्राइवेट आपका ट्रू है अभी आपका। ठीक है, डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी में आपको यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट दिख रहा होगा कि यहाँ पे टेस्टिंग से रिलेटेड जो लाइब्रेरी जेस्ट मिलती है उसकी यहाँ पे इंस्टॉल है। रिएक्ट का कौन सा वर्जन है आपका 18.20, एंड देन रिएक्ट डॉम, यहाँ पे रिएक्ट स्क्रिप्ट और यहाँ पे आपका वेब विटल्स, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। और डिपेंडेंसी के ही अंदर हमारी यहाँ पे फाइल आती है। मानिए अब आपको यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी यहाँ पे चाहिए, मानिए आपको रिएक्ट की, देखिए मैं यहाँ पे चलता हूं सबसे पहले आपकी वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे मानिए यहाँ पे मेरे को रिएक्ट वैलिडेशन डालना है, इंस्टॉल करना है यहाँ पे। तो मैंने गूगल पे सर्च करा रिएक्ट वैलिडेशन, ओके कुछ इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं, मानिए रिएक्ट वैलिडेशन करना है आपको, क्लिक करेंगे तो देखिए पहले नंबर पे आपको ये वेबसाइट देखने को मिलेगी। ठीक है, जब आप इसे ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको ये कमांड देखने को मिलेगी, जस्ट आप इस पर क्लिक करें, ये कॉपी हो जाएगा आपका। कॉपी होने के बाद आप चले यहाँ पे अपने वीएस कोड के अंदर, वीएस कोड के अंदर आने के बाद में आपको Ctrl+V करना है, ये पेस्ट हो जाएगा। एंड जैसे ही आप करेंगे यहां पे एंटर, एंटर करने के बाद देखेंगे आप यहां पे इसकी जो डिपेंडेंसी की फाइल है यहां ऑटोमेटिक यहां पे क्रिएट हो जाएगी। देखिए वेट करिए यहां पे अपने आप ही ये क्रिएट कैसे होती है, देखिए इसको। अब आप देखेंगे जैसे ही हमने यहां पे इसको एंटर करा, इसने पैकेज यहां पे इंस्टॉल कर दिया, यहां पे आपको दिख रहा होगा रिएक्ट वैलिडेशन। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं, ठीक है थोड़ा सा नीचे कर दूं तो यहां पे आपको विजिबल हो रहा होगा, तो देखिए
ये React Validation यहाँ पे इंस्टॉल हो भी गया है। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे एक ही तरीका है क्या इसको इंस्टॉल करने का? नहीं, अगर आपको इंस्टॉल करना है कोई और वर्जन, मानिए इसी में से कोई और वर्जन इंस्टॉल करना है या कोई और लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, तो देखिए वर्जन पे आप कैसे करेंगे। तो आपको सबसे पहले वर्जन पे जाना है, ठीक है। मानिए आपको पिछला कोई प्रीवियस वर्जन चाहिए, ये तो लेटेस्ट वर्जन हो गया आपका, तो पिछले वर्जन के लिए आपको मानिए 2.10 चाहिए आपको। मैं इसको ओपन कर लूंगा, ठीक है। ओपन करने के बाद ये कमांड यहां पे आपको दिख रही होगी, या तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस पे ऐसे क्लिक करके सेम आपको कुछ नहीं करना, अगेन आप टर्मिनल में आएंगे अपने, और यहां पे आने के बाद आप इसको पेस्ट कर देंगे, एंटर करेंगे। ये देखिए एंटर मारेंगे हम, एंटर मारने के बाद आप देखेंगे यहां पे आपका जो रिएक्ट वैलिडेशन है 3.0 यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे आपका ये देखिए इसने इसका वर्जन चेंज कर दिया। आप या तो एक तरीका ये है आपका, या तो आप खुद से भी यहां पे क्या कर सकते हैं, जो भी आपको वर्जन चाहिए ना वो आप लिख सकते हैं। यहां पे मानिए 3.30 कर दूं मैं, और उसके बाद में अगर मैं यहां पे इट मींस कि npm i यहां पे कर दूं, तो ये अपने आप ही इसको क्या करेगा, इंस्टॉल कर देगा हमारे किस में, रिएक्ट की ऐप में, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हमारे को मिलता है कि जिस तरीके से हम यहां पे आपके वर्जन अगर आपको पता है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं यहां पे, ठीक है। अब इसके बाद में आप इसको अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो देखिए कुछ नहीं करना, आपको npm लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लूं, ठीक है। यहां पे मैं अगर इसको कर दूं npm इंस्टॉल अनइंस्टॉल, और अनइंस्टॉल के बाद में आपको करना क्या होगा, ये रिएक्ट वैलिडेशन है ना, इसको करेंगे कॉपी, यहां करेंगे पेस्ट। जैसी अभी हम क्या करेंगे, जैसे ही करेंगे हम इसको एंटर, जैसे ही एंटर करेंगे हम, एंटर करने के बाद आप देखेंगे npm अनइंस्टॉल रिएक्ट वैलिडेशन को हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं यहां से, कहां से, हमारे पैकेज डॉट जेसन के अंदर से। तो देखिए यहां पे इसने क्या करा, यहां पे इसने रिमूव कर दी उस वाली फाइल को। या तो एक तरीका यह है कि आप इस कमांड के साथ में इस चीज को कर सकते हैं, या सिंपली आपको कुछ नहीं करना था, आपको रिमूव कर देना था कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपने कॉपी पेस्ट करके मैंने आपको बताया यहां पे फाइल के अंदर। एक तो ये तरीका है आपके पास में। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आप डिपेंडेंसी और किस तरीके से लाइब्रेरीज ला सकते हैं किसी भी वर्जन में, उसके वर्जन भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये है आपके रिएक्ट की यहां पे पैकेज की फाइल, ओके। तो ये है डिपेंडेंसी की बात। अब इसके बाद में आप चाहते हैं कि जो मैंने जो ट्रेडिशनल रिएक्ट की ऐप है वो npm स्टार्ट करके ही होती है, ठीक है। आप चाहते हैं npm स्टार्ट ना करना, आप चाहते हैं अपने नाम को यहां पे रखना, तो मानिए मैं यहां पे अगर भास्कर रख देता हूं तो क्या ये चलेगा? तो आपको करना क्या होगा, आपको लिखना होगा npm रन एंड देन इसके बाद में आपको भास्कर लिखना होगा, जो भी आपका यहां पे फाइल का नाम होगा, जो भी आप चाहते हैं। मैंने यहां पे भास्कर रखा है। तो इसके बाद में ऑटोमेटिक जो भी कमांड मैंने आपको प्रीवियस में दिखाई थी वीडियोस में, npm स्टार्ट, तो आपकी यहां पे लाइब्रेरी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए कुछ इस तरीके से दिख रही है आपको, तो आपकी ऐप स्टार्ट हो चुकी है। कैसे, मैंने बल्कि यहां पे आपका भास्कर कमांड, जो कस्टम कमांड है, खुद की आप बना भी सकते हैं, आप बिल्ड में भी वैसे ही कर सकते हैं, टेस्ट में भी वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं यहां पे। तो ये है आपकी पैकेज डॉट जेसन की फाइल, और इसी के अंदर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे कोड क्वालिटी से रिलेटेड चीजें हैं, आपकी जो जेस्ट की मैं बात कर रहा हूं टेस्टिंग से रिलेटेड, वो आपके प्रोडक्शन पे कौन सा वर्जन चल रहा है, वो डेवलपमेंट में आपने कौन कौन से वर्जन पे सपोर्ट्स हैं, वो ये सारी की सारी चीजें आपको पैकेज डॉट जेसन के अंदर मिलती है। और ये रिएक्ट ही नहीं, एंगुलर, व्यू सब में बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है गाइस, दैट्स व्हाई मैंने इसके ऊपर सेपरेट ये वीडियो आपको बना के दी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें जो मैंने आज इस वीडियो में बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपका फंक्शनल कंपोनेंट्स के बारे में, कि किस तरीके से फंक्शनल कंपोनेंट बनता है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।